मास्क पहने हो अभी, अपनी सांस के फोकस को बना के रखेंगे और सिटिंग पोज भी हम डिफरेंट थोड़ा कर लेंगे अभी के लिए, ये कर लो शुरू में एक तरीके से जब घुमा के इधर घुमाए, ठीक है। पहले हम नेक स्ट्रेचेस करेंगे विद ब्रीथिंग, ठीक है। मेन फोकस आपका ब्रेथ पे रहेगा, दोनों हाथों को ग्रिप कर लो, पीछे रखो, पुल करके रखो, ठीक है। और जो आपके शोल्डर ब्लेड्स हैं उनको ऐसे डाउनवर्ड्स रखो पीछे, ठीक है। तो अपर बैक हो गया, पेल्विस कवर हो गया, अब हम नेक एक्सरसाइजेस विद ब्रीदिंग करेंगे, ठीक है। आ जाओ फटाफट, सांस भरेंगे पूरा, भरते 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 मैक्सिमम पीछे जाएंगे और अपनी नेक को स्पाइन के साथ लगभग टच कर देंगे, ठीक है। करेंगे ब्रीद इन, करते जाए पीछे, पूरा स्ट्रेच दें नेक को, मत पैनिक, रुके, जब तक आपकी सांस रुकती है रुके रहें, जब सांस नहीं रुक पा रही स्लोली एक्सहेल करते जाएं और धीरे धीरे अपनी नेक को नीचे लगा दें, नीचे लगा कर भी फील द स्ट्रेच, एक्सहेल करके जितनी देर रुकना है उतनी देर नेक भी रुकेगी। इसको रिपीट कर लें, इनहेल अप, करते जाएं, रुके, जो ब्रेक किए हैं आपने अपने हाथ उनको पुल करके रखें सो दैट आपके शोल्डर ब्लेड्स डाउनवर्ड्स रहें, ठीक है। अपर बैक की एक्सरसाइज भी होती रहे, फिर से करें, इनहेल अप, होल्ड, स्लोली एक्सहेल डाउन। अब इसकी थोड़ा डिफरेंट वेरिएशन करेंगे, सांस भरेंगे, मैक्सिमम राइट साइड पे घूम जाए, चिन और जो शोल्डर है एक लाइन में बना लें और किसी भी ऑब्जेक्ट पे राइट साइड पे ध्यान लगाएं, आंखें वाइड ओपन करके रखें। तो इस एक्सरसाइज में हम अपने आईज को भी इन्वॉल्व कर लेंगे, है ना। ब्रीदिंग के साथ जितनी देर आपकी ब्रेथ रुकती है उतनी देर चिन को रोक के रखें, आईज वाइड ओपन करके रखें, रुके, जब ना रुका जाए एक्सहेल सेंटर में आ जाए। नाउ इनहेल, लेफ्ट पे जाएं, चिन और शोल्डर एक लेवल पे रखें और लेफ्ट पे ही किसी ऑब्जेक्ट पे फोकस करें, आईज वाइड ओपन, रुके, सेंटर में आ जाए। रिपीट करें, राइट को जाएं, सांस को भर के रखें, किसी भी ऑब्जेक्ट पे ध्यान लगाएं, आईज को वाइड ओपन करके रखें, वापस आए मध्य में, अब लेफ्ट साइड जाएं, इनहेल देन होल्ड, एक्सहेल सेंटर में आए। अब इसकी थर्ड वेरिएशन करेंगे, सांस भरें, दायां कान दाएं कंधे पे लगाने की कोशिश करें, कंधा नहीं उठाएंगे, नेक को स्ट्रेच करते जाए मैक्सिमम, जब तक सांस रुकेगा होल्ड होगा, रोकेंगे, जब होल्ड नहीं कर पाएंगे तो सेंटर में आ जाए। अब लेफ्ट पे आए, इनहेल फर्स्ट देन होल्ड देन एक्सहेल। अब नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे, लॉन्ग एंड डीप, लंबा गहरा सांस, नेक को क्लॉकवाइज रोटेट कर लें, एंटी क्लॉकवाइज, वापस। अब सिटिंग पोस्चर चेंज कर लें, थक गए होंगे रिवर्स कर लें, थोड़ी और स्ट्रेचिंग एंड वार्मिंग अप करेंगे, लेफ्ट कोहनी को जमीन पे लगाएं, सांस भरें, राइट हैंड अप, कान के साथ लगा के रखें, मैक्सिमम नीचे आते जाएं, जब तक सांस रोक सकते हैं रुकें, जब नहीं रोक सकते छोड़ते हुए वापस रिवर्स कर लें। ये थोड़ा मुश्किल होगा, कोहनी नहीं रहती है तो हाथ को लगा लें, हाथों पर झुकते जाएं, बाजू को कान पर लगा के रखेंगे तो साइड से ही झुका जाएगा, क्योंकि हमें
हमें साइड से झुकना है, बाजू कान के साथ लगा के रखें, सांस भरकर ऊपर। इसको रिपीट कर लेंगे, ये वाली साइड तो कोहनी लगा लें, हाथ ऊपर, सांस भरते हुए जाएं, सांस को रोके, पोजीशन को होल्ड करें, सांस छोड़कर वापस आ जाएं। दूसरी ओर वापस, हर मूवमेंट के साथ सांस को ध्यान बना के रखें कि सांस पे हमने अपना ध्यान बना के रखना है। वन लेग स्प्रेड कर लें, पकड़े करके अंगूठी को घुटना सीधा रखें, एक हाथ ऊपर, कोशिश करें पैर के अंगूठे तक पहुंचने की, बाजू कान के साथ बना के रखें, घुटना ना मोड़ें, घुटना सीधा ही रखें। गुड, सांस करते हुए ऊपर चेंज कर लें। बाजू कान के साथ सांस छोड़ें, झुकते जाएं, बाजू कान के साथ लगा के रखोगे तो झुका ही साइड से जाएगा, सामने से झुका ही नहीं जाएगा। सांस भरें ऊपर। नाउ बोथ लेग स्ट्रेट, सीधी कर लें दोनों टांगें, स्ट्रेच करें, फिर से वही फोकस बना के रखें सांस पे। सांस भरें, पैर की उंगलियां नीचे छोड़ें, वापस रोटेट कर लें बोथ फीट टुगेदर, छोटी उंगली को नीचे रख जाने दें, स्पाइन को सीधा बना के रखें, रिवर्स रोटेट। दोनों पैरों में थोड़ा गैप कर लें, पैर के अंगूठे मिलाएं, सांस भरें छोड़ें, भरें छोड़ें। हम लोग का क्या है, ब्रीदिंग भी कर रहे हैं और थोड़ी थोड़ी मूवमेंट्स और स्ट्रेचेस भी कर रहे हैं। वापस मुट्ठी बंद, अंगूठा अंदर, खड़ी मुट्ठी घुटनों के नीचे रखें, घुटनों से मुट्ठी को दबाएं, पैर निकालें, एड़ियां उठाएं, पंजे माथे की ओर बना के रखें। घुटनों के लिए ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है आपके लिए, क्योंकि वेट हमारा इंक्रीज हो रहा है तो मैनेज अवर इंक्रीज वेट, है ना। अभी आप करिए प्रेगनेंसी में, और घर में जो मम्मीज हैं उनको भी कराएं। नीचे रिपीट कर लें, इनहेल अप, पंजों को स्ट्रेच करके माथे की ओर कर लें, एक्सहेल डाउन, वापस। कोशिश करें पैर का अंगूठा पकड़े, उठाएं टांग को, खोलें, वापस दूसरी ओर। एक और वेरिएशन करेंगे, हाथों को ग्रिड करें, मिठाई के नीचे रखें, क्लॉक वाइज बड़े से बड़ा सर्कल बनाएं, हर सर्कल में जो आपका एंकल मसल है उसको एक बार सामने और मैक्सिमम नीचे सलूट कर लें। आप फेस उधर को करें, बड़े से बड़ा सर्कल बनाएंगे, हाँ घूम जाओ, रिवर्स कर लें पूरे पूरे, चेंज दूसरी ओर, ग्रिप्ड हाथ थाई के नीचे रखें, क्लॉकवाइज बड़े से बड़ा सर्कल बना लें, एंकल को अच्छे से एक बार सामने और मैक्सिमम पीछे करते जाएं, रिवर्स रोटेट भी कर लें। वापस लेग्स को थोड़ा सा स्ट्रेच कर लें, खोल लें, थाई को थाई के लेफ्ट राइट दोनों हथेलियां रखें, उठाएं, ऊपर उठाएं, घुटना सीधा रखें, पंजा माथे की ओर, सांस भर के उठाएं, होल्ड करें, छोड़ें, वापस चेंज, इनहेल अप, स्ट्रेच, एक्सहेल डाउन, दूसरी ओर। अच्छा
चेंज कर दें फिर से, कंधा को उन्हें एक लेवल पे रखें, ऊपर कर लें एल्बो को, इनहेल, एक्सपेंड योर चेस्ट, टच योर शोल्डर ब्लेड्स विद ईच अदर, एक्सहेल, इनहेल करके पीछे जाएं, एक्सहेल करके वापस आएं, कोहनी को मिलाएं, एल्बो को, यस दोनों को मिया पकड़े अपोजिट हाथों से, इनहेल अप पीछे तक जाएं, मैक्सिमम पीछे जाएं, एक्सहेल डाउन, रिपीट करें सांस के साथ करें, करने में कोई बड़ी बात नहीं है, पर अगर हम इसको ब्रेथ के साथ सिंक्रोनाइज करते हैं तो हमें डबल बेनिफिट होता है, सांस भी चल रही है, अच्छी ब्रीदिंग हो रही है, प्रैक्टिस हो रही है, सांस भर के ऊपर जाना है, छोड़ के नीचे आ जाए, करते जाए आगे जो कोई भी एक आगे आ जाओ और एक यहाँ आ जाओ, छोड़े ब्रेथ के साथ प्रैक्टिस करें, हाफ बटरफ्लाई बनाए, होल्ड करें एक हाथ घुटने के नीचे और एक हाथ पैर के कंधे के नीचे रखें, कोशिश करें एड़ी और घुटना पैरेलल रहे, ऐसे टेढ़ा ना रहे, स्ट्रेट रहे, उठाएं टांग को ऊपर और ब्रीदिंग को अपनी मर्जी से सिंक्रोनाइज करें, देखें किसमें आपकी इनहेल एक्सहेल अप्लाई हो रहा है, चेंज पैर को पकड़े कान की तरफ ले जाए, एड़ी को बाहर निकाल लें, पंजा पकड़े क्लॉकवाइज रोटेट करें उस हाथ से करें, एड़ी को और बाहर निकालो, थाई के बाहर रखो, थोड़ा ये बाहर रहेगी तो रोटेट अच्छी होगी, ऊपर होगी तो रोटेट नहीं होगी, रिवर्स रोटेट भी कर लें, पंजा आगे पीछे करें, दूसरी ओर होल्ड करें अपनी लेग को, एड़ी और घुटने को पैरेलल रखें, एक ही हाइट पे रखें, चेंज वापस, कोशिश करें ऐसे बैठेंगे जिनका सब नॉर्मल है, बेड रेस्ट वगैरह कुछ नहीं है, अपने वन लेग स्ट्रेट करें, आप भी आप बैठ के कर लें, लेग स्ट्रेट करो ऐसे बैठ जाए, लेकिन यही चीज कर लें बैठ के, नी डाउन नहीं करो, वैसे कर लो, करिए पंजे को रोटेट करें, रिवर्स रोटेट, लेग स्ट्रेच आप करो स्ट्रेच, दूसरी ओर चेंज, यही मूवमेंट करो बैठ के, ये आपको
डिसाइड करना है ना कि कितना आपकी बॉडी और आपके टेस्ट अलाउ करते हैं, उस हिसाब से करना है. लेकिन बॉडी को स्ट्रेच करना है, मूव करना है, ब्रीदिंग अच्छी करनी है. ब्रीदिंग करने से अच्छी ऑक्सीजन जाएगी, यू विल फील गुड, है ना. और लेबर के टाइम आपको आराम रहेगा अगर आप ब्रीदिंग प्रैक्टिस अच्छी करते रहेंगे. तो अपनी बॉडी मूवमेंट के साथ साथ ब्रीदिंग को अप्लाई करें. अब देखो ये जिनसे होगा करेंगे, घुटना नीचे, सांस भरें, छोड़, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल. आप ऐसे बैठे बैठे करें, घुटने खड़े करो, घुटने खड़े करो, बैठे रहो, बैठे रहो, बैठ के ऐसे घुटने खड़े करो, ऐसे करो, बैठ जाइए. बैठ के भी कर सकते हैं, और बैठ जाए और अपने बैठ के करें वापस. सिट कंफर्टेबली, बटरफ्लाई में बैठ जाए. थके हुए थोड़ा ब्रीदिंग करते हैं, लॉन्ग एंड डीप. इनहेल करें, अच्छे से इनहेल करें, होल्ड करें और एक्सहेल करें. करिए फाइव टाइम्स, फाइव ब्रेथ्स करेंगे. जस्ट रिलैक्सेशन है. सांस भरें, छोड़ें, भरें, रोकें, छोड़ें. सबको आती है लॉन्ग ब्रीदिंग करना? क्या है, जब इनहेल करना है तो ध्यान रखना है, इनहेल करते जाएं कहाँ तक, नीचे तक, नीचे तक पहुँचाएं अपनी सांस को. महसूस करें कि मेरी सांस नीचे तक जा रही है, सिर्फ ये नहीं कि यहाँ तक लिया शैलो और छोड़ दिया. लेते जाएं, जब पूरा ले लिया उसको होल्ड करें फ्यू सेकेंड्स के बाद उसे एक्सहेल करें. और जब आप एक्सहेल करें तो उसको फील करें कि मैं अपनी सांस को धीरे 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 बाहर कर रही हूँ. पूरा खाली कर दें, फ्यू सेकंड्स रुकें, फिर नई सांस भरें. ठीक है, तो जो हम भ्रामरी करते हैं, भ्रामरी में आपको यही अप्लाई करना है. पूरा भरना है पहले, गुंजन करके उसको छोड़ना है, और फिर छोड़ने के बाद पूरा खाली करना है. महसूस करना है कि खाली हो गया, फिर नया सांस भरना है. आँखें और कान बंद करके तीन बार हम भ्रामरी करेंगे. करें आंखें बंद, कान बंद, नॉस्ट्रिल से इनहेल करेंगे. आप सांस भरिए, भरें, आंखें बंद, आंखें बंद, चश्मा निकाल सकते हैं. सांस भर लें, नॉस्ट्रिल से ही भरना है, नॉस्ट्रिल से ही छोड़ना है, लेकिन एक गुंजन की आवाज करनी है. करिए
अपना ध्यान रख रहे हैं अच्छे से। मैम तो आज कॉन्फ्रेंस में गए हैं, कुछ आपको पूछना है तो डॉक्टर शॉनी है, या एक्सरसाइज कुछ स्पेशल सीखनी है तो बताएं, मैं करा सकती हूँ। अभी तो हमने लाइट एक्सरसाइजेस थोड़ी वार्मिंग अप जैसी की, लेकिन अगर आपको कोई स्पेशल सीखनी है या पूछनी है तो हम कर सकते हैं। और जो डॉक्टर शाइनी भी हैं ये भी बता देंगे आपको अगर आपको कुछ पूछना है। डॉक्टर को बताना पड़ेगा और ब्रीदिंग अच्छी करो, उससे भी बेटर होती है, लेकिन डॉक्टर के कॉन्टेक्ट में रहना पड़ेगा आपको। मूवमेंट होना बहुत ज़रूरी है और इम्पॉर्टेंट है, और अगर आपको कुछ स्लो या ऐसे होते हैं तो रेखा आप बता दीजिए।